आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों आशा करता हूँ कि प्रभु में आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज का विषय परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। वचन देखेंगे हम लूका रचित सुसमाचार 18:27। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु की स्तुति हो क्योंकि वो भला है। दोस्तों परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। जहां मनुष्य की सोच समाप्त होती है वहां से परमेश्वर का आरंभ होता है। दोस्तों मरियम लाजर की बहन लाजर की मृत्यु के बाद आशा खो चुकी थी। उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि 4 दिन का मरा हुआ उसका भाई लाजर जीवित होगा, जीवन दान पाएगा। परंतु प्रभु यीशु ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित किया। दोस्तों हो सकता है आज आप भी लाजर की बहन मरियम के समान आशा खो चुके हो और आपको लगता हो मेरे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मेरा टूटा हुआ रिश्ता फिर से नहीं जुड़ सकता, मेरा बंद हुआ व्यवसाय फिर से नहीं चल सकता। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। पूर्ण हृदय से परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और अपने जीवन में बदलाव को देखिए, क्योंकि निराशा में ही आशा की किरणें हैं। यीशु मसीह भोर की पहली किरण है। यीशु मसीह अंधे आँखों की ज्योति है। यीशु मसीह के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। आपके हर एक बंद मार्ग को खोलेंगे यीशु मसीह। अंत तक अपने विश्वास को थामे रहे, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी हो सकता है। इस दुख भरी दुनिया में रोशन है यीशु मसीह के। यीशु मसीह जिसमें मिले सुख शांति और आराम, और क्या चाहिए, बस कहते जाओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।